और फ्लाइट में बैठ चुके हैं। चेक रिपब्लिक की फ़्लाइट है प्राग की। सो अब प्राग जाके वीडियो बनाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे। और शेनिकन वीज़ा मैंने कैसे लिया था चेक रिपब्लिक का, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और वीडियो देखो, एंजॉय करो और जसी पंजाबी को फॉलो करो। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर के बाद मैं चेक रिपब्लिक जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं गया और अभी तक मेरे हिसाब से कोई इंडियन है जिसका वीज़ा नहीं लगा। अभी जिस मैंने वीज़े लगवाए थे अपने क्लाइंटों के और उन्होंने ट्रैवल करा है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए चेक रिपब्लिक में। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो बिल्कुल फ़्लाइट हमारी चल चुकी है। और वीज़ा मैंने कैसे लिया तो वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो न्यू दिल्ली में अक्टूबर में ओपन हुए थे वीज़े, तो मैंने अप्लाई करा तो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी। ऑलमोस्ट मैं दिन में 4 बार चेक करता था कि VFS में अपॉइंटमेंट मिल जाए चेक रिपब्लिक की, क्योंकि चेक रिपब्लिक मेरे को इसलिए अच्छी लगती है, एक तो काफ़ी ईजीएस्ट कंट्री है, ठीक है, इसका वीज़ा काफ़ी मतलब स्मूद है दूसरी कंट्री के मुकाबले, तो ईजी इसका वीज़ा लग जाता है। और दूसरा, चेक रिपब्लिक इज़ माई फेवरेट डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को है। तो बिल्कुल, और काफ़ी चीपेस्ट भी है। आप कंपैरिजन करो, आप कभी होटल बुक करो या फ्लाइट देखोगे ना, तो काफ़ी चीपेस्ट है कंपैरिजन टू कुछ अदर कंट्री। शेनिकन में आप जाओगे ना तो उससे काफ़ी चीपेस्ट कंट्री है। और इस कंट्री में ना तो इंडियंस बहुत कम वीज़े अप्लाई करते हैं, तो इसलिए वो वीज़े ज़्यादा दे देती हैं। और बाकी आपको अब आने वाली वीडियो देखने को मिलेगी चेक रिपब्लिक की, तो डेफिनेटली अब मेरा एक बार बस बोर्डिंग क्लियर हो जाए। मेरे को डाउट है, 2 साल हो गए अब कोई इंडियन जा नहीं रहा, कोई ट्रैवलर जा नहीं रहा, तो फर्स्ट मेरा वीज़ा लगा तो मेरे को एंट्री मिलेगी, और क्या क्या वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं नर्वस था, और यहाँ से मैं टर्की से गया था मैं चेक रिपब्लिक, और यहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा पूछा नहीं उन्होंने, क्योंकि मैं अकेला ही इंडियन था पूरी फ्लाइट में। तो ऑलमोस्ट यहाँ के सारे लोकल थे, तो उनके पास तो यहाँ का रेसिडेंस परमिट है, तो उसके थ्रू वो आराम से उनको एंट्री मिल जाती है। और एक मैं अकेला था जो वीज़ा लेके जा रहा था। तो सबसे अच्छी बात क्या लगी, यहाँ पे इस्तानबुल में आपको ना वेब चेक इन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, सारे कंप्यूटराइज स्कैनर है, तो स्कैन हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, देन उसके बाद अपनी फ़्लाइट ले सकते हो आप। तो बिल्कुल, और फ़्लाइट काफ़ी चीपेस्ट मिली थी, ऑलमोस्ट इंडिया के 4,000 रुपीज़ की मेरे को फ़्लाइट मिली थी गाइस। हाँ जी, तो टर्की से चेक रिपब्लिक या कोई भी शेनिकन कंट्री में जाना है या यूके जाना है आपने, तो फ़्लाइट काफ़ी चीपेस्ट है। और आपके पास शेनिकन वीज़ा है तो डेफिनेटली मैंने ई वीज़ा लिया, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया है, स्टिकर वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा काफ़ी चीपेस्ट मिल गया मेरे को गाइज, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया। इस्तानबुल भी एंजॉय करा, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन गई, दुबई गया दुबई में भी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। अब मैं चेक रिपब्लिक जा रहा हूँ, और चेक रिपब्लिक से आगे कहाँ जाऊँगा वो थोड़ा सरप्राइज है आपके लिए। तो गाइस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आपको दिखाएंगे मेरे को एंट्री मिलेगी चेक रिपब्लिक में या नहीं। तो गाइस ये सस्पेंस है, अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा गाइस।